अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद अहमद जोया और आज असी नौशहरा फाजलपुर राजनपुर के एरिए अंदर मौजूद हैं। इतों के जिद्दत पसंद काश्तकार ने मालिक अफसर साहब काफ़ी अरसे तो साढ़ा तलक है, तीन चार साल हो गए मुसलसल रबते ने कपास के हवाले न, लेकिन इन्हों का फार्म विजिट करने तो बाद इस इलाके मशहूर ने कि जदीद काश्तकारी के हवाले न बहुत अच्छा अपना एक नाम रखते हैं और सानू भी बहुत सारा कुछ इन्हां कोल सीखण नूं मिलदा है। फोन ते भी साडी सलाह कीती रखदे ने, राबते च रहिंदे ने और वक्तन फवक्तन जिहड़ा है असीं उह चीज़ां सीखी रखने हैं और माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस ने, सैल्फ मेड आदमी ने। सारी जिहड़ी उन्हां दी स्टोरी है बड़ी इंस्पायर है कि शुरू तों ना, मतलब एक जिहन तुसीं कह सकदे हो कि सिफर तों स्टार्ट हुंदा है, जिहड़ा उह सिफर तों स्टार्ट है और माशाल्लाह हुण अपने इलाके दे विच इक ज़िमींदारे दे विच भी उन्हां दा नाम है, अपने कारोबार के हवाले नाल भी काफ़ी उन्हां दा नाम है। और साडा अज दा जिहड़ा टॉपिक है, मुख दो तीन टॉपिक होणगे। पहला तो असीं उन्हां दा शुक्रिया अदा करने हैं कि सानू ना असीं इस विजिट ते आए हैं तो या उन्हां नूं पता लगा तो उन्होंने सानू मदू किया, तुहाडा जी सानू शुक्रिया, तुसीं सानू मदू किया अपने फार्म ते आवन दा मौका दिता असीं आए। दूसरा मलिक साहब, सब तो पहला सवाल यह है कि तुहाडियां तजावीज़ जां जिहड़े तुहाडे सोच विचार ना वो बड़ी मुख्तलिफ किस्म दी है काश्तकारी दे हवाले नाल, ते उंदे उत्ते तुसां रोशनी पाणी है कि मौजूदा टाइम दे विच जिहड़े साडे ज़िमींदार सुस्त किस्म दे, खासकर जिस एरिए दे विच तुसीं बैठे हो, हर इलाके दे विच माड़े चंगे सारा सिस्टम विच ही हुंदा, तुसीं तां जिद्दत वल हो लेकिन तुहाडा आले दुआले दा जिहड़ा इलाका, जिहने कि जिहड़ा मैं विजिट कर रहा कोट छुट्टा तों अगे जामपुर तुहाडा तंबाकूआं दे हिसाब नाल मशहूर आ गया, उस तों बाद उत्थे काटन दी दूसरी फसल लगदी है लेकिन सारी मिसमैनेज है। अगे फिर फाजलपुर आए, उत्थे भी सूरत यही है कि तमाम लोग जिहड़े ना खासकर कपाह दे अंदर मिसमैनेज ने। तुहाडे कोल असीं आए हैं तो तुहाडे कोल तमाम चीज़ां सानूं मैनेज नज़र आ रही हैं, तुसीं इहदे ते रोशनी पाणी है, तुसीं इस इलाके 'च रहिंदे, इस इलाके दे लोगां दी की सोच है, तुसीं की सोच लै के चल रहे हो? असल बेसिक इतने लोग ज्यादा जमींदार हैं, उन्होंने रकबे वाफिर होते हैं, उन्होंने अजर काज थी वेंदे, उन्होंने रहन सहन का सिस्टम चल वेंदे। सही है, लेकिन एक होंगी काश्त जिद्दत, जिद्दत तो तेरा शौक है, बिल्कुल अगर तेरा शौक है तो तुसा इको अगू ते परवान चढ़ावे सो। एक होंगी रिवायती काश्त, मैं अक्सर इतना टोटल रिवायती काश्त थी थी है ना के इतना जिद्दत काश्त। दूजा का जी मेन इशू है ये है उंदी है मैनेजमेंट, एक सरेके दी मशहूर मिसाल है, ओ उत्तम खेती वधन व्यापार, नीच नौकरी पिनण बेकार। तो एक बंदा हूं अंत काश्तकारी शुरू कर दी थी, एक कई सियाने बंदे गल की थी, उंदे बाद ओ को नुकसान आवन पै गया। सही, ओ आके बेटा ओ किथा ते ए ते गल की तुसा मैं कुसी ने जो उत्तम खेती वधन व्यापार नीच नौकरी पिनण बेकार, ओ आके बेटा ओ जेरी मैं तो दसी आई ना गल उंदी उलट अगू ते नहीं पुछा। अच्छा, ये खेती है जेरी ए सिर सहती है। सही है, अगर सो हिंदो ते सिर सट्टी खड़े रहो सो तो कोई प्रॉफिटेबल थी सी उंदी मैनेजमेंट करे सो, या अगर सो रवैती काज करे सो तो बोला इहो पूरे इलाके दा जे रूटीन चलदा पे में चलदा रहे इने चलदा रहे। यानी कि हुण मैं पिछले 3-4 साल तो वाकिफ कार हां इस इलाके तो, ते तमाम लोगां दा यही यूजर हुंदा है, साडे इलाके च कपाह नहीं हुंदी, साडे इलाके च कपाह नहीं हुंदी, और तुसीं कह रहे हो कि माशाल्लाह तुसीं अच्छी खासी तो प्रॉफिट जिहड़ी लै रहे हो कपाह तो। मैं जरा तीन अपना रकबे को त्रै फसलें दे मैनेजमेंट कीती खड़ा 18 महीने विच माशाल्लाह। ए हुण तुहाडे सामने गंदम में इंदे इंटर क्रॉपिंग थी पी ए, ए कमांड नाल इंटर क्रॉपिंग है जी, इंदे विच कमांड भी खड़ा है माशाल्लाह, वो भी अपना फल फूल रहा विच, लेकिन जिहड़ी गंदम खड़ी है वो आउट क्लास किस्म दी है, दिलकश वैरायटी जिस फील्ड दे असीं अंदर खड़े हैं, लेकिन जिन्नी भी असीं रस्ते च गंदम देख के आए हैं, मैं जो भी फार्म रस्ते च विजिट कीते ने या नज़र पैंदी आई है, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਲ ਗਰੋਥ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਅਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਮੁੱਕੇ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਥੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਚ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਕਟਾਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਾਂ 1200 ਪਲੱਸ ਮਾਣ ਘੇਨ ਵੇਂਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਵੱਲ ਹੂੰ ਗੰਨੇ ਕੋ ਅਸਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਨੂੰ। ਸਹੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਵਲਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਕਾਟਨ ਰਾੜੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਗੰਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 24 ਮੰਥ ਵਿੱਚ 2 ਫਸਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ 18 ਮੰਥ ਵਿੱਚ 3 ਫਸਲਾਂ ਚਾਹ ਗਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ
ये लाजमी आने चाहिए बन। जिन्ना की रकबा है जरूरी नहीं कि इनके वास्ते मुरब्बे ही होन, अगर किसी को 10 एकड़ है तो उसनू इस हिसाब न सफल करे, उन्होंने उस हिसाब न लैके चले। हम जिम्मे कह रहे हो हाँ, जिस तरह का एरिया है, जिस तरह के मौसम तब्दील हो गए हैं, थोड़ा तजर्बा होएगा, हुण मौसमी कपाह बड़ी मुश्किल हो गई, मुश्किल मौसमी कपाह बड़ी मुश्किल मुश्किल हो गई। जिहड़ियां वरायटियां पहले हैगियां सी नान बेटी के अंदर, उन्हां दा तरीकाकार ही ऐसे कि वह कद करके फल चकदियां सी, हुण तो फल मुढ़ चक लैंदियां ने। लोग उन्होंने उस कंसैप्ट ला रहे हैं जो मैं समझाया इस इलाके च, भी उमें संघनी अगर 4 दाने जमे ने तो 4 दाने, 6 इंच तो लगा पौधा तो 6 इंच, तो जिथे खड़ा है उत्थे ही खड़ा है, बिल्कुल उन्होंने कोई उन्हें तो नहीं मेहनत कर दे। तुसी की कर रहे हो कि तुसी अपनी कपाह नू अगेता, यानी कि कमान जिहड़ा है तुहाडी फरवरी च कपाह लगे गई फरवरी है, इत्थे तुहानू फिर भी जमीन नू 2 महीने एक्स्ट्रा लाभ जाणगे। तुसी नवंबर अक्टूबर नवंबर कह नहीं, रहे हो कपाह जिहड़ी है। वो उसको मैं वो आपको बात बताना चाह रहा हूँ। जो गन्ने की जमीन होती है ना, जी उसमें काटन के एक्सपेंसेस 0-0 मैं जीरो है समझ रहते हैं। ये उसके उस जमे रकबे में मॉइस्चर तक। इतना ज्यादा होती है, पूरा 6 माह उसको पमुतर पानी और और साय में फर्टिलाइजर रही होती है। बैटर इतना साय में रही होती है। जो ही आप कपास लगाए उसको 3 या 4 पानी में कपास पक जाएगी। पक जाए जल्दी तैयार, अच्छा, स्प्रे स्प्रे की वजह यहाँ अर्ली जो काश होती है उस पर काम उसमें 2 स्प्रे या 3 स्प्रे आप कर बिल्कुल ले, फिर छोड़ भी दे तो 50 मन कहीं नहीं, कहीं कहीं नहीं, नहीं छोड़ बिल्कुल दे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये ठीक है। ये है नहीं मसला। यानी कि आप नवंबर में जब ये कमान आगे कटाई हो जाएगा तो कपास तो हम फरवरी से पहले नहीं लगा सकते ना, 2 माह तो रेस्ट मिल जाएगा। ना वो फरवरी का गन्ना काश अच्छा, जो आपने कटाई हो, गन्ना मतलब जहाँ पे कपास लगानी है उस गन्ने को आप अर्ली नहीं काटते, नहीं काट खड़ा रहे रहे, हैं, नहीं काट रहे हैं, सही है। इतना वो फील्ड होता है वो मुकम्मल इतना देर में मुकम्मल लग होते होते 2-2.5 माह लग जाते लग हैं, जाते सही है, ज़बरदस्त हो गया। तो इसके अलावा आप ये बताएं हमें, गल तो अपनी पंजाबी तो शुरू हुई सी तो उर्दू वाला आ हैं। गए, मिक्स रह की पंजाबी सारा कुछ मिक्स ही चले जा रहे हैं। तो जो कपास का एक्सपीरियंस आपका हमारे साथ रहा है, आप हमारे पास आए, विजिट किया, देखा, 2 मरतबा आप हमारे पास आ चुके हैं गलबात, और जो मतलब ये चीज़ें आपने हमारे से ली और इधर आके एक्सपीरियंस किया, उस हवाले से आप थोड़ा रोशनी डालें। लेकिन आपका जो सीड हमने लिया था, जी जो चीज़ आपने कही थी वही वो हमें मिली है। जी बाकी वो मैनेजमेंट होती है अल्हम्दुलिल्ला, हाँ जी, हमारे पास उन्होंने वो अच्छे ज़बरदस्त है अच्छी आपकी। अच्छी ग्रोथ की है। 50-55 मन, और पिछले साल तो हमने 60 मन भी ली थी, ज़बरदस्त, इससे पिछले साल साठ यानी कि मन इससे पिछले साल जब लोग कह रहे थे कि हमारी कपास हुई सौ नहीं, मन हुई नहीं, 60 मन ली थी। आपने उस दौर में भी ज़बरदस्त कपास कह इस रहे साल हमारी जो है ना वो 50 मन तक आई, 50 मान गई है। 50 मन तक। इस दफ़ा बाकी भी देखें तो एरिया में बेहतर रह गए हैं, हमारा थोड़ा सा मुश्किल रहा है बारिशों की वजह से, तो सही है आपका तो माशाल्लाह ज़बरदस्त रह गया। अच्छा, आप गंदम के बाद भी कपास लगाते हैं? ना, कंधों बाद लगाते थे, अब नहीं लगाएंगे, अब नहीं लगाएंगे, अब नहीं लगाएंगे, यानी कि अब आपको समझ आ गई है समझ आ गया, अब टाइम जाए करना। टाइम जाया करने वाली बात है, यानी कि कपास अब जो सबसे बेहतरीन है, अगर कोई कमांड नहीं भी लगाता तो वो अगर कपास की तरफ आना चाहता है तो सरसों तो लगाए, सरसों राया लगाए, निकल राय के बाद इसका जो है ना मार्च या फरवरी में ये ना इसकी दोनों फसलों की आपस में जो है ना कनेक्शन बेहतर रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा जी, अपना आखिरी सवाल ये है कि जो तुम मेरे को विजिट किया, जड़ी कपाह तुसा उत्थे देखी, उसने देखा तो बाद यानी कि असी मैं जड़ी विजिट करके आया है इस सारे इलाके के अंदर, वो सारी कपाह जी इतने छदराई का रवाज कोई नहीं, फासले का रवाज कोई नहीं, जो तुम मेरे को गए उस तो बाद आया कि तुसी भी अपनी कपाह जी जिदत पसंद तुसी हो उनका तुसा खुद फासला किन्ना रखते हो, की तरीका कर है थोड़ा किस जी ने? जी, अपना ग्लासोसिफेरी ट्रिपल जिन वरायटियाँ हैं ना, जी इनकी पौधे की झाड़ बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह। अगर इसको आप रखेंगे 2 फुट से ऊपर तो ये आपको पैदावार देंगे। पैदावार दें, अगर आप इनको रखेंगे 9 इंच पे, 10 इंच पे, 1 फुट पे, तो फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आया कि उन लोगों को एक्सपीरियंस हो जाए जो बात हमारी मानते नहीं है, यानी कि जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे वडेरे या हमारा तो रूटीन यही है, हम इसको नहीं बदल सकते, या हद तक कि जो महकमा ज़रात है वो भी इसी चीज़ की तलकिन करता कि आप 35,000 पौधे 1 एकड़ में लगाएं, वो वही लिखी पढ़ी बातें जो उनकी किताबों में लिखी हुई हैं पुरानी वरायटियों के मुतलिक, जो रिसर्च है उसी को लेके चल रहे हैं, नहीं, ये इनकी सही वरायटियाँ न्यू डेवलप हो गई हैं, वो बात वही करते सोच हैं सोच कि पुरानी है। सोच पुरानी है। अब जितने भी मैंने रास्ते में फार्मर मिले हैं वो सारे यही कहते हैं कि हमें तो महकमा ज़रात वाले कहते हैं कि आप 34-35 हज़ार है, तो उस वजह से नाकाम हो रहे हैं।
आपने वो एक्सपीरियंस उसका उसका दूसरा तरीका है, उसको अंग्रेजी में ना मुझे हाई लाभ डेंसिटी, नहीं, हाई डिसेंटिंग, हाई डेंसिटी, हाई उसके लिए फिर डेंसिटी वैरायटी का ना इंतखाब ना उस ना वरायटी, ये भी चल जाती है। हाई डिसेंटिंग में अगर इसको, अगर आप खुराक की बीस कमी। पच्चीस किलो एक एकड़ में लगा दें, उसको पानी जरूरत हो तो दें, खाद ना दें, स्प्रे ना करें, फिर 20-25 मन वो निकल वो आती भी है, निकल आती है, उसका निकल। भी एक सिस्टम है, हाँ वो भी है, वो मतलब उन इलाकों में है जहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ कमज़ोर है, तो कमजोर। वो भी एक सिस्टम है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि लगाते हाई डेंसिटी है, खुराक वो दूसरी देते हैं। दूसरे फिर तो मसला बनता ये है। एक सीन है, उसके लिए थोड़ा ये भी उसकी आपकी मैं उस मेन बेसिक उनको लोगों को समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा है। वो वजह ये होती है उसके जो नीचे टिंडे होते हैं ना, 2-2.5 फुट में वो गल सड़ जाते हैं। गल सड़ जाते हैं, वो ये वराइटियां टिंडे उठाती हैं, बहुत उठाते हैं, लेकिन वो गल सड़ जाएंगे, उनके हाथ कुछ नहीं कुछ लेंगे। नहीं, वो फिर दरमियान में कुछ उठाएंगी वो हाथ आएगा, फिर वो टॉप वाला वजन आएगा, कम वो होता है टॉप वाला वजन उसकी औसत पैदावार कम उसकी कर देगा। औसत। शुरू वाला हाँ, जो फल है, शुरू वाला है, अगर वो उसको कंट्रोल कर ले तो 100% के अच्छे रिजल्ट और मिलेंगे। शुरू को कंट्रोल करने का यही है कि आपका छिद्राई छदराई, छिद्राई और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और लाइन टू लाइन डिस्टेंस, ये जो ये तीन चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं, यही वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप अमल करके मौसमी या अगेती कोई भी कपास लगाते हैं तो उसमें आप बेहतर अच्छा अच्छा पैदावार ले सकते पैदावार ले सकते हैं। अगर आप हाई डेंसिटी की तरफ जाते हैं, यानी कि आप 35,000 पौधे लगाते हैं, तो फिर ट्रीटमेंट भी वही करें, खाद हैं। उसको खाद नहीं देनी है, नहीं उसको ना। स्प्रे बहुत कम करनी है, उसको हाँ, पानी बहुत कम वो जिस लगाना तरह है, हम राया लगाते हैं वो छोड़ दें छोड़ उसको। दे। ठीक हो गया बिल्कुल जी मलिक साहब, बिल्कुल, बहुत अच्छा जबरदस्त लगा जबरदस्त आपसे जबरदस्त मिलके, शुक्रिया सर। और बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता है आपसे। हैदराबाद, शुक्रिया जी।